स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज जीवन में पहली बार बबीरू आया हूं। जब मैंने पहली बार बबीरू का नाम सुना तो एक दो दिन तो मुझे नाम याद करने में लगा, लेकिन आपकी श्रद्धा और विश्वास यहां आकर के जो मैं महसूस कर रहा हूं, जिंदगी में कभी अब बबीरू को भूल नहीं सकता। और अपने सामने बैठी इन मां बहन बेटियों को और गांव के इन युवाओं को, किसानों को, आम लोगों को और हिंदुस्तान के इन छोटे छोटे बच्चों के जज्बे जोश को देख करके लगता है हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित है। बबेरू जैसी छोटी सी जगह पर यदि कोई राजनीतिक पार्टी यहां पर रैली करती तो इतने लोगों को यहां पर बुलाने के लिए उन लोगों को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते, और फिर भी ऐसे अनुशासित लोग जो यहां पर भाड़ा किराया लेकर के दिहाड़ी लेकर के नहीं आए, अपनी अपितु अपनी जान भारत माता के ऊपर न्योछावर करने के लिए आए हैं, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। भाई बहनों, हमारे सामने बहुत बड़े प्रश्न हैं। अब थोड़ा सा बड़े रूप में देखो, अपने देश को, अपनी ताकत को भी पहचानो, देश की ताकत को भी पहचानो। एक वोट की ताकत तो जो मिली है उसका तो उपयोग करना ही, और लोकतंत्र की खोट दूर करनी है। जिन लोगों ने लोकतंत्र को लूटतंत्र भ्रष्टतंत्र बना दिया है, संविधान की हत्या कर दी गई है और लोकतंत्र का गला घोट करके रख दिया है, वो काम तो करना ही करना है। अपने देश की भी ताकत को पहचानो। मैंने बार बार इस बात को कहा है, भारत देश कमजोर नहीं है, इसको कमजोर बनाया गया है। भारत गरीब देश नहीं है, इसको गरीब बनाया गया है। यहां महंगाई है नहीं, महंगाई पैदा की गई है। मैंने सुना है यहां जहां से इस देश की सत्ताओं का संचालन करने वाले सिंहासनों के शिखर बैठे लोग जहां से चुन करके जाते, वहां 700-700 रुपए का गैस सिलेंडर ब्लैक में मिलता है। उस गैस सिलेंडर की कीमत मात्र 200-250 रुपए है, और आपको भी कितने में मिलता है बबेरू वालों? 400-500-600 मिलता है। बोलो, अब गैस सिलेंडर की कीमत है 200-250 रुपए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो गवर्नमेंट की एजेंसियों का पूरा आपको रिजल्ट बता रहा हूं सर, उनका जो पूरा मूल्यांकन बता रहा हूं। गैस सिलेंडर 200-250 रुपए का, और यहां बबेरू वालों को, यहां पर हमारे बुंदेलखंड वालों को, उत्तर प्रदेश वालों को कितने में मिलता है? 600 में। ये 400 रुपए कौन ले रहा है? ए चोर उचक्के,
यही लुटेरे, जिस दिन ये लूट खसोट बंद हो जाएगी, 200 रुपए में तो आपको गैस का सिलेंडर मिलेगा और 30-35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा और 25 रुपए में डीजल मिलना शुरू हो जाएगा। और ये देखकर कि कोई हम पर एहसान थोड़ी कर रहे हैं भाई, कीमत असली ले लो, लूट तो बंद कर दो बेमानो। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम भिखारी नहीं है, हम अधिकारी हैं अपना अधिकार मांगने के। और यदि हमारा अधिकार मांगने से नहीं मिला तो हम छीनना भी जानते हैं और हिंदुस्तान में वो क्रांति भी आएगी। भाई बहनों, ये गैस और पेट्रोल की ही बात नहीं है, देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। रामलीला मैदान में हम गए थे तो कोई आरक्षण मांगने गए थे क्या? क्या मांगने गए थे? काला धन। ये काला धन किसका है? यह हमारा हक है। और ये कितना है? अरे जोर से तो बोलो, 400 लाख करोड़ रुपए वापस आएगा तो एक जिले को कितना मिलेगा? कम से कम 50,000 करोड़। कितना बोलो? 50,000 करोड़। अच्छा, ये बांदा जिले में कितनी तहसील है? 4, तो तुम्हारे हिस्से में भी कितना आएगा? 12,500 करोड़। बताओ, 12,500 करोड़ खर्च करने के लिए जगह है क्या बबेरू वालों? बोलो बोले बाबा दिला दे, बाकी तो हम ठिकाने लगा ही देंगे। बबेरू को 12,500 करोड़ रुपए मिलेंगे, एक गांव को 100 करोड़ और एक परिवार को औसत करीब 20-25 लाख रुपए मिटेंगे। अरे मिलेंगे तो इस हिंदुस्तान के अंदर कभी कोई गरीब रहेगा? कोई बेरोजगार रहेगा? नहीं। कोई अनपढ़ रहेगा? नहीं। उनको गरीबों की झोपड़ियों में आकर के रोटी खाने की नहीं जरूरत पड़ेगी, बल्कि गरीबों की झोपड़ियां भी वैसी बन जाएंगी जिसमें वो भैया जी रहते हैं। फिर गरीबों के घरों में आकर के उनको रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गरीबों को भी वैसी रोटी मिल सकेंगी जो सिंहासनों पर बैठे लोग दिल्ली में खाते हैं। ऐसा लोकतंत्र हमको लाना है जिससे कि गरीब आदमी महलों जैसे मकानों में रह सके, गरीब आदमी भी वो खाना खा सके जो अमीर लोग खाते। ये काला धन कोई छोटा मुद्दा नहीं है। ये कहते हम विकास करना चाहते हैं और विकास के लिए चाहिए धन, वो देना नहीं चाहते। विकास के लिए चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त शासन, वो भ्रष्टाचार को मिटाना नहीं चाहते। और ढोंग क्या करते हैं, बाटला हाउस में एनकाउंटर हो गया तो मुझे आंखों में आंसू आ गए, और भारत माता बिलखती है, आतंकवादियों ने 1 लाख से ज्यादा लोग जो बेकसूर निर्दोष थे उनको मार दिया, तमको आंसू नहीं आए। 10 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली, तमको आंसू नहीं आए। 84 करोड़ लोग इस देश के गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं, तब आंखों में आंसू नहीं आते। रामलीला मैदान में जब रावण लीला होती और बहन राजबाला जैसे देशभक्त मां की हत्या कर दी जाती है, तब आंखों में आंसू नहीं आते। वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट ये कहती है, हर दिन भारत में 20,000 से ज्यादा बच्चे, बूढ़े, जवान मौत के मुंह में समा जाते हैं हर दिन। सूरज उगते उगते भूख और कुपोषण के कारण से, जिसको हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शर्म कहते हैं, भूख और कुपोषण से, हंगर एंड मैल्यूट्रिशन के कारण से हर दिन 121 करोड़ के इस भारत में 20,000 लोग सदा सदा के लिए मौत के आगोश में सो जाते हैं, तब आंखों में आंसू नहीं आते। पूरी दुनिया के अंदर भारत की बेइज्जती हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने 122 लाइसेंस रद्द करके बता दिया कि इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार ये केंद्र सरकार है। तब माता जी को आंखों में आंसू नहीं आते जब पूरी दुनिया के सामने भारत शर्मिंदा होता है कि कैसी शासन व्यवस्था, कैसे वहां के प्रधानमंत्री हैं, कैसी वहां की सरकार है। पूरी दुनिया के सामने इन्होंने भारत का सर नीचा कर दिया है, तब इनको आंखों में आंसू नहीं आते।
हमारी माता तो ये भारत माता है और इसको किसी भी कीमत पर हम बचाएंगे। हमारे लिए भारत मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये हमारी माँ है, ये हमारी क्या है बोलो, माँ है। अरे जरा दोनों हाथ उठा करके तो कहो ये भारत माता हमारी है। जरा मुट्ठी बांध के हाथ उठा करके बोले भारत माता की है। लगे पूरी दुनिया के लोगों को कि भारत के लोग अभी सोए नहीं है, जागे हुए हैं, और इन भ्रष्ट बेईमानों को भी लगे दिल्ली के सिंहासनों तक आपकी आवाज पहुंच जाए, क्योंकि उस दिन तो शायद यहां भाषण नहीं दे पाए थे, उनको पता लग जाए कि बबेरू के लोगों का जोश और जज्बा इनके खान में अभी भी स्वाभिमान है। बोले भारत माता की वंदे। पीछे खड़े हुए उन्होंने अभी हाथ बांधे हुए हैं भैया, जरा सब हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की। अब लगा कि बबेरू वाले 100% जागे हुए। भाई बहनों, बात यहीं समाप्त नहीं होती है। इस हिंदुस्तान के हिंदू का, मुसलमानों का, दलितों का, वाल्मीकियों का, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का हक किसने छीना है? हम लोग सोचते हैं कि शायद ये हमारा देश तो गरीब ही होगा। भारत देश कभी गरीब नहीं था और आज भी भारत देश गरीब नहीं है। लेकिन फिर ये गरीबी क्यों है? क्योंकि इसका हक इन बेईमानों ने लूट लिया है। अपना भारत देश पहले भी महान था, आज भी महान है, लेकिन इसको कुछ लोगों ने लूट लिया। पहले अंग्रेजों ने लूटा और वो लूट के लेके गए 400 लाख करोड़। कितना लूट के लेके गए बोलो? 400 लाख करोड़। उनको लूटने में लगे 200 साल। कितने साल लगे? 200 साल। और आजादी के बाद इन बेईमानों ने तो उस लूट को 4 चांद लगा दिए। एक तरफ भ्रष्ट राजतंत्र, दूसरी तरफ कुटिल व्यापार तंत्र, तीसरी तरफ जटिल शासन तंत्र, चौथी तरफ विदेशी कंपनियों का और विदेशी सरकारों के लूट का षड्यंत्र का शिकार हुआ भारत। चारों तरफा लूट मची हुई है और अंग्रेजों ने तो 200 साल में 400 लाख करोड़ पे लूटे, इन्होंने तो इन आजादी के 64 वर्षों में ही 400 लाख करोड़ पे लूट लिए। पहले इनसे अपना हक छीनना है और बाद में उन अंग्रेजों को भी देखना है, उनसे हिसाब किताब करना है। भाई बहनों, और आगे नहीं जगे तो आगे भी लूटते रहोगे। एक माउंटबेटन जो अंतिम वायसराय था, उसके साथ में जिसके हाथ में देश की सत्ता आई, उसने समझौता कर लिया कि जैसे तुम देश को लूट रहे थे ऐसे हम लूटेंगे, जैसे तुम देश चला रहे थे ऐसे हम चलाएंगे। लेकिन उससे पहले की सुनो जरा, 15 अगस्त 1947 को तो देश आजाद हुआ ही नहीं। एक अंग्रेज अधिकारी थे, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। जरा ये नाम याद करके जाना, क्या नाम था उसका? रॉबर्ट क्लाइव ने पहली बार गो हत्या करने को, जो उल्टे काम थे, पाप था, अधर्म था, उसको उन्होंने कानून बना करके जायज ठहराने की कोशिश की। भारत में हमेशा से गो हत्या करना ये पाप समझा जाता था। हिंदू मुसलमान कोई भी गोमांस नहीं खाता था। सब हमारे मुस्लिम भाइयों को भी पता होना चाहिए, औरंगजेब के शासन तक कोई भी मुसलमान शासन काल में, मुगल शासन काल में हिंदुस्तान में एक भी कत्ल खाना नहीं था। ये एकदम, ये तो 1760 में पहली बार कत्ल खाना खुलवाया इस रॉबर्ट क्लाइव ने, और जबरदस्ती मुसलमानों से गायों को कटवाया, पहली शराब की दुकान खुलाई। हमारे यहां अभी तक भी शराब पीना अच्छा नहीं मानते, शराब पीने को अधर्म मानते हैं, बुरा कर्म मानते हैं, और मुस्लिम धर्म में भी शराब पीने को गुनाह मानते हैं, अपराध मानते हैं, उसको नापाक समझते हैं। भाई बहनों, ये एक अधिकारी था जिसने 900 सोना चांदी के जहाज यहां से लूट करके लेके गया। क्या नाम था इसका? रॉबर्ट क्लाइव। भाई बहनों, ये इतना धन पहले लूट करके लेके गए और ये धन पूरा का पूरा हिंदुस्तान को अब भी लूट करके लेके गए हैं। ये मिल जाए तो हिंदुस्तान में कोई सड़क कच्ची, और अभी यहां सड़क कम गड्ढा हां मैं झूला झूलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कमर का पूरा कबाड़ा हो जाता है। अब खराब सड़क होने से क्या क्या हानियां होती आपने कभी सोचा?
खराब सड़क होने से एक तो गाड़ी जल्दी खराब होती है, आपकी साइकिल भी जल्दी खराब होगी, मोटरसाइकिल के भी शोकर जल्दी खराब होंगे, उसके टायर भी जल्दी खराब होंगे, एवरेज भी, जहां अब बढ़िया सड़क है एकदम चकाचक, तो यहां से लखनऊ कितनी दूर है, 180-200 किलोमीटर मान लो, बढ़िया सड़क हो तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी कितनी देर लगती है लखनऊ पहुंचने में, 4-5 घंटा लगता है ना भैया, 5 घंटे, तो पहले से पेट्रोल कितना ज्यादा खर्च हुआ, 2 गुना, पेट्रोल कितना खर्च हुआ 2 गुना, और गाड़ी का जो उम्र है वो कितना हो गया, आधा, तो गाड़ी खराब हुई 2 गुना, पेट्रोल खर्च हुआ 2 गुना, टाइम खर्च हुआ, अरे जो गाड़ी खराब हुई तो सो हुई, अपनी गाड़ी भी खराब हो जाती है। अच्छा ईमानदारी से बताइयो, जो लोग सड़क पर, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको चलने का मौका ही नहीं मिलता, घर में ही रहते हैं ज्यादा, लेकिन जो सड़क पर चलते हैं कितने लोगों को कमर में दर्द है, जरा हाथ उठाइयो, जिन लोगों को कमर में दर्द है हाथ उठा के रखो, थोड़ी देर पता तो लगे, ये खराब सड़कों के कारण से है। तो जितने भी लोगों को कमर में दर्द है वो सब गवर्नमेंट के खिलाफ केस दर्ज करवाओ, उनसे इलाज का पैसा लो, क्योंकि खराब सड़कों के कारण से तुम्हारी कमर में क्या हो गया, बोलो, दर्द हो गया, मर्ज हो गया। तो इसका पता लगा खराब सड़क से और क्या क्या हानि है, तो इस देश के अंदर ये काला धन आएगा तो हिंदुस्तान की सड़कें अमेरिका और ब्रिटेन कनाडा से भी ज्यादा अच्छी होंगी, ऐसा हिंदुस्तान अपना बन जाएगा। फिर ये 4-4 घंटे की बिजली के लिए बाट नहीं जोनी पड़ेगी, हाँ? नहीं तो ऐसे आरती उतारते रहते हैं बिजली की, हे बिजली माता जल्दी आ जाए, और वो माता जी थोड़ी देर के लिए आती है फिर अदृश्य हो जाती है। अभी हिंदुस्तान में आजादी के 64 वर्ष के बाद भी 54% घरों में अंधेरा, और जहां लाइट आती है औसत 4 घंटे आती है, कहीं 2 घंटे, किसी किसी कभी कभी तो सप्ताह सप्ताह पूरी गुल हो जाती। देखो 9 मूलभूत सुविधाएं हैं जो किसी भी देश में होनी चाहिए, उसको बोलते हैं बिजली, पानी, सड़क। तो बिजली की हालत आपको पता है, पानी की हालत क्या है, हिंदुस्तान के 50% से ज्यादा लोगों को अच्छा पानी पीने को नहीं मिलता, उससे फिर क्या होती है, बीमारी। अच्छा ईमानदारी से बताइयो, आप लोग तो कोई खराब चीज खाते पीते भी नहीं हो, वही दाल रोटी खाते पीते हो, फिर भी पेट कितने लोगों के खराब है, जरा हाथ उठाइयो तो पता तो लगे मुझे, फिर इलाज भी बता के जाऊंगा, चिंता मत करियो, हाथ उठाओ जरा। इतने लोगों के पेट खराब क्यों है, क्योंकि एक तो इनको खाने को पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिलते, और दूसरा शुद्ध पानी मिलना चाहिए। विदेशों में जो स्नान के लिए पानी प्रयोग किया जाता है वैसा पानी हम हिंदुस्तानियों को पीने के लिए भी नसीब नहीं होता, पीने का पानी। और जो बाकी खेतों को पानी, इस बार तो भगवान ने कर दी मेहरबानी, इसलिए आपकी फसल लहला रही है, नहीं तो बुंदेलखंड में धूल उड़ती रहती थी। हिंदुस्तान में इतना पानी बरसता है, वो पानी ठीक से प्रबंध कर ले तो किसी भी खेत को पानी की कमी नहीं रहेगी, और पीने का पानी भी सबको शुद्ध मिल जाएगा। लेकिन प्रबंध करे कौन, इनको तो लूटने से ही फुर्सत नहीं बेमानों को। भाई बहनों जरा अगली बात सुन लो, बिजली, पानी, सड़क, ये तीनों की हालत आपको बताई, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो सबको होना चाहिए, लेकिन रोटी की हालत भी खराब है। मैंने कहा भूख और कुपोषण दुनिया में सबसे ज्यादा भारत। कपड़े की हालत यह है, जब मैं अभी लखनऊ से इधर बबेरू की तरफ आ रहा था तो गांव में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ऐसे ही नंगे बैठे हुए थे। अब हिंदुस्तान के उन गरीब के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए ये काला धन हिंदुस्तान में वापस लाना है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान की हालत बुरी है। पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बच्चे के लिए भी वही स्कूल है जो किसी मजदूर, कारीगर, किसान के लिए है। वहां कोई अलग स्कूल कॉलेज नहीं है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए। ओबामा के बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, और ठेड़ी रेढ़ा चलाने वाला का, रक्षा चलाने वाले का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है। ऐसा हिंदुस्तान हम भी बना सकते हैं यदि काला धन हिंदुस्तान में आएगा
तो हिंदुस्तान के बच्चे भी राष्ट्रपति का बेटा हो या रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो, दोनों के लिए एक जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बन जाएंगी। इतना बड़ा पैसा है काला धन। अभी आप बहुत से जवान यहां आए हुए हैं गांव से, अब इनको पहली बात तो पढ़ाई अच्छी नहीं मिली और पढ़ाई करने के बाद नौकरी अच्छी नहीं मिलती। ये भाई बहनों बहुत बड़ा मुद्दा है काला धन, इसको लाना है और इस देश को बचाना है। आज बबीरों में पहले तो मुद्दे की बात कर रहा हूं, और क्योंकि भगवान ने बहुत, मौसम ने बहुत साथ दिया है, कल बहुत भयंकर गर्मी थी, मैंने सोचा इतनी गर्मी हो जाएगी तो बबेरू वालों को शायद इतनी दोपहर के 12 बजे का कार्यक्रम है, मैं बोलूंगा लेकिन शायद वो बिलखने लगेंगे, तिल मिलाने लगेंगे धूप में। एक बार भगवान का भी लाख लाख शुक्रिया, उन्होंने इतना सुहाना मौसम आज दिया। और भाई बहनों दो तीन मिनट की बात पूरी करके फिर आपके जिंदगी से जुड़ी हुई सरोकारों की भी बात करता हूं। पहली बात तो मैंने इस लूट तंत्र की, हमने कोई राजनीतिक पार्टी यहां नहीं बनाई, हम कोई राजनीतिक विकल्प की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक की बात कर रहे हैं कि जो सबसे बड़े गुनहगार हैं इस देश की लूट के लिए, जो जिम्मेदार हैं, उनको वोट नहीं देना। बाकी आपके सामने 3-4 विकल्प हैं, आप चाहे भाजपा है, चाहे सपा है, चाहे बसपा है या कोई निर्दलीय है, जितने भी खड़े हैं सभी पार्टियों के दामन पर तो दाग लगे हैं, इसमें जिसके दामन पर कम से कम दाग हो उसी को अपना वोट दे करके राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत कर देना, क्योंकि अभी पूरी तरह से शुद्धता तो नहीं मिलेगी, लेकिन भाई रास्ता तो कहीं ना कहीं से निकालना है और आदत भी डालनी है। अरे इस बार एक बार घर से बाहर निकलना, 2012-13-14 तक पहुंचते शायद एक ऐसा भी विकल्प हिंदुस्तान को मिल जाए जिसके चरित्र पर कोई दाग ना हो, ऐसे बेदाग निष्कलंक लोग भी मिलेंगे। एक बार हिम्मत करो। तो भाई बहनों आपको क्या करना है, वोट के लिए घर से बाहर जरूर निकलना है। अब वोट किसको देना, अब बोले बाबा जी आप ही किसी का नाम बता दो। अब हम नाम नहीं बताएंगे, अभी बस हम संकेत में अपनी बात कह रहे हैं। हमने काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों को लेकर के पत्र लिखा, गडकरी जी को भी लिखा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सबको लिखा। आदरणीय गडकरी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ने अपनी पूर्ण सहमति देकर के कहा कि बाबा जी हम तो काला धन राष्ट्रीय संपत्ति होना चाहिए, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, ये भ्रष्ट व्यवस्था बदलनी चाहिए, समान शिक्षा समान चिकित्सा का अधिकार मिलना चाहिए। आदरणीय मुलायम सिंह यादव और भाई अखिलेश यादव जी ने भी हमसे बात भी की, हमने सब लोगों से बात की, उनसे उनकी राय जाननी चाहिए। तो इन लोगों ने तो अपनी राय बता दी कि बाबा जी हम तो इन मुद्दों पर साथ हैं, लेकिन एक पार्टी खामोश है, लगता है विदेशों में जमा काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने में आपत्ति इसीलिए है कि उन्हीं ने कहीं ना कहीं से तिगड़मबाजी करके धन जमा करा रखा है, इसीलिए उनको परेशानी है। नहीं तो बताओ बाबा जी से क्या परेशानी, अच्छा बताओ बाबा जी से इनका कोई खानदानी बैर है, बाबा जी से इनकी क्या स्पर्धा है, अरे हम तो फकीर, तुम तो वजीर हो, तुम तो अमीर आदमी हो, हमारा तुमसे विरोध किस बात का, हमको तो सिंहासन नहीं चाहिए, हम तो आसन करके ही राजी, हमको तो साम्राज्य नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, क्योंकि हमने तो सारी संपत्ति को भगवान का माना हुआ है और भगवान हमारे हैं, हम भगवान जी के हैं, इसलिए हमें संपत्ति सिंहासन सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन सत्ता में सत्य स्थापित होना चाहिए।